हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे काली पूजा फेस्टिवल का परमिशन के लिए। तो इसके लिए आप वेबसाइट में आएंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने के बाद इंटरफेस कुछ इस तरह से देख पाएंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देख पा रहे हैं पूजा परमिशन लॉग इन, और उसी के नीचे में देख पा रहे हैं पूजा जनरल गाइडलाइंस 2023। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको पूजा सेफ्टी का गाइडलाइंस मिल जाएगा। इसमें आपको सभी तरह का डिटेल दिया हुआ है। गाइडलाइंस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एप्लीकेशन करने से पहले एक बार आप इस गाइडलाइंस को अच्छी तरह से पढ़ लें। इसमें सभी डिटेल दिया हुआ है फेस्टिवल करने के लिए। इसके बाद वापस से इस पेज में आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉगिन। इसके बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, तो इस बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। दुर्गा पूजा ऑनलाइन के नाम पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना कर रखा है, देख पा रहे हैं आई बटन में। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो उस बारे में पूरे डिटेल्स आप जान पाएंगे। तो फाइनली आपको जब यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाता है तो देख पा रहे हैं नीचे में कंटिन्यू, यहाँ पे क्लिक करेंगे और लॉग इन कर लेंगे। जैसे ही आपका पेज लॉग इन हो जाता है तो राइट साइड में आप देख सकते हैं आपका कमेटी का नेम शो करेगा, और मिडिल ऑफ द पेज आप देख पाएंगे जो आपका लास्ट ईयर में एप्लीकेशन फेल्ड हुआ था उसका डिटेल दिख पाएगा। और साथ ही साथ लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं फेस्टिवल डिटेल, यहाँ पे जो भी लास्ट ईयर में आपने फॉर्म फिल किया था उसका डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है। देख पा रहे हैं प्रीवियस ईयर डैशबोर्ड। तो न्यू एप्लीकेशन करने के लिए ऊपर में देख पा रहे हैं न्यू फॉर्म, वहाँ पर क्लिक करेंगे। इससे पहले आपको मैं बता दूँ, इस फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, जो आपके पास होना ही चाहिए। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट पहले दिखा देता हूँ, इसे आप अच्छी तरह से देख लें। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कई सारे डॉक्यूमेंट्स का नेम शो हो रहा है, साथ ही साथ सीरियल नंबर आप देख पा रहे हैं। तो 127 जो डॉक्यूमेंट्स का नेम है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेशन तभी डन हो पाएगा, सबमिट हो पाएगा जब ये डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें। तो रिक्वेस्ट करूँगा ये डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आप लिख लें और रेडी कर लें। इसके अलावा 3 कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, सीरियल नंबर 13 तो सीरियल नंबर 15 तक, इसे भी आप रेडी कर लें तभी आप एप्लीकेशन करने के लिए स्टार्ट करें। इसके बाद आप देख पा रहे हैं न्यू फॉर्म, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। देख पा रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन करना स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है जिसे एक बार आप अच्छी तरह से पढ़ लें। नीचे में देख पा रहे हैं बहुत सारे डिटेल ऑलरेडी फिल्ड है जिसे आपको एडिट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जिसे आपको फिल करने का ऑप्शन दिया जा रहा है यही चीज़ को ही आपको फिल करना है, यही बात है यहाँ पे लिखा हुआ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं काली पूजा, ये आप कंफर्म कर लें क्योंकि आप काली पूजा के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं। जो भी एप्लीकेशन जिस फेस्टिवल के लिए करेंगे वो नेम को यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद आपका जो लोकल अथॉरिटी जो होगा उसे सिलेक्शन करेंगे। इधर यहाँ पे हाउसिंग या क्लब जो है वो रहने देंगे। यहाँ पे आपका ऑलरेडी प्रीफिल डेटा है, ये एडिट नहीं कर पाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर इम्पोर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे आपको आपका 10 डिजिट का कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे। इसके अलावा ईमेल आईडी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं भी सिलेक्शन करेंगे तो चलेगा। पिन कोड जो इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ पर दे देना पड़ेगा। यहाँ पे आपका एड्रेस ऑफ पेंडल का जो एड्रेस है वो इंटर करेंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पेंडल एड्रेस देना पड़ेगा। जो जो डिटेल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टार मार्क है, वो सभी डिटेल यहाँ पे इंटर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं नेम, नंबर ऑफ एंट्री पॉइंट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आपका जो पेंडल जो रहेगा उसका जो वाइड एंड हाइट जो रहता है उस हिसाब से आप यहाँ पे डिटेल इंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, एग्जांपल 1, और सोच लीजिए कि अगर 15 स्क्वायर फुट है तो 15, और 15 हाइट है तो 15। तो ये यहाँ पे देने के बाद ये देख पा रहे हैं ऐड, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर से यहाँ पे सेम चीज़ आपको डिटेल जो एग्जिट पॉइंट है उसका डिटेल इंटर करेंगे और यहाँ पे सेव में क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए, जो पैसेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपका कंपनी का, जो भी आपका क्लब का, जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का, जो यहाँ पे आप पे देख पा रहे हैं यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्लब, यहाँ पे नेम होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रेसिडेंट डिटेल, यहाँ पे उस पर्सन का नाम होगा जो प्रेसिडेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, तो उनका नाम यहाँ पे इंटर करेंगे, उनके फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, और यहाँ पे जो सेक्रेटरी है उनका नेम डिटेल इंटर करेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कर देंगे, यहाँ पे डेट ऑफ इमर्सन यानी कि जो दिन आपका जो फेस्टिवल जो लोकल पॉन्ड में जो आपका भसान होता है वो डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा कहाँ पे आप करने वाले हैं वो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, आपका लोकल पॉन्ड जो भी होता है। देख पा रहे हैं लोकल पॉन्ड डिटेल एंटर करेंगे, यहाँ पे रोड कितना दूर वहाँ से कितना है वो डिटेल यहाँ पे मीटर के हिसाब से 200 मीटर या 2000 मीटर जो भी डिटेल होता है लोकल पॉन्ड जहाँ पे आपका फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है और जो इमर्सन जहाँ पे है वहाँ से कितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख पा रहे हैं, हाइट ऑफ द आइडियल व्हीकल फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना हाइट होता है वो डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना बजे आपका इमर्सन स्टार्ट होगा ख़त्म होगा वो डिटेल, यहाँ पे कितना आदमी रहेंगे 50, 60, 200, 300 जो भी डिटेल यहाँ पे इंटर करेंगे। सभी डिटेल यहाँ पे इंटर कर लेने के बाद ये डिटेल देख पा रहे हैं यहाँ पे सेव में क्लिक कर देंगे। इसे सेव में क्लिक करने के बाद फिर से पेज लोड होगा और नेक्स्ट पेज में भी इसी तरह से डिटेल आपको इंटर करना पड़ेगा। सभी डिटेल सही सही इंटर कर लेने के बाद एक बार फॉर्म को वेरीफाई कर लें। इसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया था वो सभी वन बाय वन अपलोड कर लेंगे। इस बीच अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो मैंने जो वीडियो बताया था मेरे चैनल पे है उसे आप एक बार देख लेंगे, इससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। लगभग प्रोसेस दोनों का सिमिलरली है, बस आपको डिटेल आपको अलग अलग एंटर करना पड़ता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, इससे आपको इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।